हाँ हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट साजिद राणा। आपको पिजन्स लवर्स में अगेन वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, जो है वो कबूतरों को बादाम देने का मेथड इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो जब आपके कबूतर जो है वो 4 से 5 घंटे की दानों पे 4 से 5 घंटे की फिरते लेना शुरू कर दें, तो उसके बाद आप जो है ना इनको बादाम देना शुरू कर दें। बादाम आप जो इस तरह स्टार्ट करें कि पहले जो आप इनको 10 10 बादाम दे दें, 10 बादाम देकर इनको आपने डरमे में छोड़ देना है, ठीक है? वो खुद ही दाने और साथ में दाना भी डाल दें, यानी कि 10 10 बादाम भी दे दें और बादाम खाने के बाद इनको डरमे में छोड़ दें, अपनी मर्जी से दाना भी खाएं और जब पानी वो भी वो खुद पिए, ठीक है? पहले 8 10 दिन आप इनको इस तरह ही करें कि 10 10 बादाम दे दें और 10 बादाम देने के बाद जो है वो इनको डरमे में छोड़ दें और अपने साथ में दाने वगैरह भी वो खाते रहें। और जब आपके कबूतर प्रवास बढ़ाने लग जाएं, यानी कि पक्की फिरते लेना शुरू कर दें, 7 से 8 घंटे उड़ना शुरू कर दें या 6 घंटे उड़ना शुरू कर दें, यानी कि जब इनके कुंदों का पानी वगैरह खुशक हो गया है, 10 12 दिन इनको उड़ते हुए हो गए हैं, 12 से 15 दिन जब इनको उड़ते हुए हो जाएं, तो आप जब इनको फिर जाओ डरबे से निकाल के इनको जो है वो जोटों में कर लें, ठीक है? तो ये जो जोट है जो लो फ्लायर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, एक ये इस तरह की जोट होती है, ठीक है? फिर आप इनको प्रॉपर जो है वो गिनती के साथ जो है वो बादाम देना शुरू कर दें, ठीक है? 10 से शुरू करें और जब जिस दिन कबूतर उड़कर आए उस दिन आपने ख्याल करना है कि कम बादाम देने, यानी कि अगर आप अपने कबूतर को 20 बादाम दे रहे हैं, 20 बादाम खा रहा है बंदी वाले दिन, ठीक है, जब उड़कर आए तो आपने जो है वो 10 बादाम देने हैं, क्योंकि जब कबूतर उड़कर आता है तो इनका जो स्टमिक जो है वो वीक होता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, इनकी पानी की कमी हो जाती है इनको, तो उसकी वजह से कबूतर वीक होता है और तकरीबन 32 24 आवर्स इनको चाहिए होते हैं अपनी एनर्जी को रिकवर करने के लिए। तो इसके लिए जरूरी है फिर अपने कबूतरों को जो है वो 10 बादाम दें जब उड़कर आए, यानी कि हाफ दें। अगर आप 30 बादाम खिला रहे हैं जब उड़कर आए, जिस दिन ये इनकी उड़ान वाला दिन होता है, जिस दिन आपने उड़ाने हैं, यानी कि जिस दिन उड़कर आए उस दिन आप इनको हाफ बादाम दें। अगर 30 बादाम दे रहे हैं तो 15 दें, 20 दे रहे हैं तो 10 दें। इससे ये होता है कि इनका जो मैदा जो होता है ना, जो जब जब ये उड़कर आते हैं तो ये वीक हो जाते हैं, इनकी एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाती है, तो फिर इनको एनर्जी जो इसके साथ ही फिर इनका जो स्टमक जो है वो भी वीक होता है। अगर हम इनको ज्यादा खुराक दे देंगे, यानी कि अगर हम बंदी वाले दिन इनको 20 बादाम देते हैं और जब उड़कर आएगा तब इसको हम 20 बादाम दे दें, तो इससे ये हो सकता है कि इनका एक मैदा जो है पोट बंद हो सकता है, ठीक है, इनका मैदा खराब हो सकता है, तो इस बात का आपने ख्याल करना है। जिस दिन बंदी हो उस दिन आपने इनको जो है वो 10 20 बादाम दे दें, ठीक है, और जब उड़कर आए तो उसने आपने हाफ देने हैं। तो और ख्याल करना है अपने कबूतरों को बादाम जब भी आपने देने हैं, आलमंड देने हैं, तो काउंट करके दें, ठीक है? तो ये अभी जब इनको 2 4 दिन हुए हैं, अभी जब हम इनको इकट्ठे बादाम दे रहे हैं, ठीक है, तो जितने अपनी मर्जी से ये खा रहे हैं, 10 के 10 के हिसाब से अभी हम इनको दे रहे हैं। तो अभी जब इन्हें अभी कच्चे हैं, अभी फटके इनकी जब कच्ची हैं, अभी इनको पानी वगैरह हमने नहीं उठाया, तो जब इंशाल्लाह जब हम पानी उठाएंगे तो वो मेथड भी मैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। अभी बिल्कुल जो वो जब हमने इनको बंदी वाला दिन जब खिलाएंगे बादाम, तो शाम को पानी इनको आप खुद पीने दें, पानी हाथ से ना दें, ठीक है? बादाम खाने के बाद इनके सामने पानी रख दें और जब पानी पिए तो वो पानी उठा लें, फिर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद फिर इनको पानी दिखाएं, फिर पानी पीने पी लें तो फिर वो पानी उठा दें। यार जब आपने उड़ानी है तो रात को 10 सीसी पानी इनको फी कबूतर के लिहाज से जो नीम गर्म पानी दे दें, इससे ये होगा कि इनका पानी जो बादाम जो दाना पानी जो हजम हो जाएगा, सुबह को ये खाली पेट होंगे। और कोशिश किया करें कि खाली पेट इनको उड़ाएं, अगर इनके पेट में दाना रह गया तो ये ऊपर से जो भाग सकते हैं। तो ये अभी मैं इनको 10 के हिसाब से बादाम दे रहा हूँ और अभी ये कच्चे हैं, ठीक है, अभी इनको हमने पानी वगैरह नहीं उठाया। जब ये पानी उठाने लग जाएंगे फिर इंशाल्लाह हम इनके बादाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो इनको बढ़ाने शुरू कर देंगे, ठीक है दोस्तों? तो ये मेरा क्राइटेरिया है इनको बादाम किस तरह मैं खिलाता हूँ। तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जब हम इनको पानी उठाएंगे तो वो भी हम मेथड आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और हमारे चैनल पिजन्स लवर्स को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि आप तक हमारी जो लेटेस्ट वीडियो जो है वो पहुंचते रहें। और अपना जो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका होस्ट साजिद राणा।